आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी केक। केक तो वैसे सभी को पसंद होता है और ये लगभग कोई ओकेजन में ही बनाया जाता है। आज मेरे घर में भी ओकेजन है, मेरी आज भांजी का हैप्पी बर्थडे है, तो हमने कहा तो चलिए उसका सेलिब्रेट किया जाए और बनाया जाए टूटी फ्रूटी केक। ये देखिए हमारा टूटी फ्रूटी केक बन के तैयार है। कितना स्पंजी केक बना है, अब मैं एक पीस इसको आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना स्पंजी केक बना है, मैं इसको ऐसे आपको दबा के भी दिखाती हूँ। व्हाट अ स्पंजी केक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पंजी केक बनाने का वीडियो। सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे। इसमें हम डालेंगे अपना नमक। ये नमक मेरा पहले का यूज करा हुआ है, इसको हम ऐसे फैला लेंगे पूरी कढ़ाई में। ये पूरा मैंने फैला लिया है और मैं इसमें रखूंगी एक स्टैंड और इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ दूंगी। हम लेंगे एक अपना केक टिन, जब तक हमारा कढ़ाई प्री हीट होती है इसमें डालेंगे एक ऑयल और इसे ग्रीस कर देंगे। और इसमें डालेंगे एक चम्मच मैदा और इसकी चारों तरफ से अच्छी तरह डस्टिंग कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसके ऊपर बटर पेपर लगा सकते हैं और उसके ऊपर ऑयल की डस्टिंग कर सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं ऐसी इसकी डस्टिंग कर लूँगी और एक्सेस वाले को ऐसे करके निकाल लूँगी। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फूटी केक। कढ़ाई में ये मैंने लिया एक बाउल और ये लिए एक छन्नी। इसमें मैं डालूँगी एक कप मैदा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इसे छान लेंगे। छानने से क्या होता है, जो इसमें लास्ट में दाने दाने से बच जाते हैं वो हमारे छन्नी में ही रह जाते हैं और वो अंदर नहीं जा पाता, जिससे हमारा केक भी अच्छा बनता है। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें लेंगे 1/4 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और इसमें लेंगे आधा कप पाउडर शुगर। ये मैंने जो घर में आप शुगर यूज करते हैं वो शुगर यूज करी थी और उसे मिक्सी में पीस लिया था। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक फ्रैक्चर इसका बना लेंगे। ये हमारा ऑयल और शुगर मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे अपना मैदा और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको हमें एक ही साइड पे मिक्स करना है, अलग अलग साइड पे मिक्स नहीं करना है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपना दूध। ये एक कप रूम टेम्परेचर पे मैंने दूध लिया हुआ है, थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अपना दूसरी बार का मैदा और इसे भी मिक्स कर लेंगे और डालूंगी एक कप में से थोड़ा सा दूध। और आपको एक साथ में ज़्यादा दूध नहीं डालना है, अगर आपने ज़्यादा दूध डाल दिया तो आपका जो बैटर है वो पतला हो सकता है और आपका केक जो है वो स्पंजी नहीं बनेगा केक। इसमें मैं थोड़ा सा और दूध डालूंगी और इसको इसको हमें एक ही एंगल पे घुमाना है। जैसे आप इस साइड घुमा रहे हैं तो आपको इसी साइड ही घुमाना है, हमें इसको बदलना नहीं है। देखिए जो हमारा ट्रैक्चर है वो बिल्कुल कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल एक ही धार में आ रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच वनीला एसेंस और थोड़ा अपना टूटी फ्रूटी। जैसे टूटी फ्रूटी केक है, इस टूटी फ्रूटी को क्या करेंगे, इसको एक बाउल में लेंगे। ये मैंने एक बाउल में टूटी फ्रूटी ले लिया और इसमें थोड़ा सा डाला है मैदा और इसको मैं करूंगी मिक्स। इससे क्या होगा, हमारी टूटी फूटी केक में नीचे नहीं बैठेगी, ऊपर ही फूल के आ जाएगी। और इसको भी मैं डालती हूँ अपने केक बैटर में
और मैं डालती हूँ थोड़ा सा किशमिश और इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस ये हमारा एक लगभग एक मिनट तक का करेंगे, ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे डालते हैं अपने केक टिन में। ये देखिए बैटर हमारा केक टिन में चला गया है। देखिए मैंने बैटर केक टिन में डाल दिया। मैं इसे ऐसे तीन बार टैप करूंगी, इससे क्या होगा जो हमारी बबल्स है वो खत्म। और इसमें डालूंगी टूटी फूटी और ये थोड़ा सा आलमंड इसके साइड पे सजा दूंगी ऐसे। कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो चुकी है, अब मैं इसे हल्के से इसमें रख दूंगी और 40 से 45 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के बेक करूंगी। ये बिल्कुल आपको मीडियम से लो फ्लेम पे बेक करना है। तो चलिए मिलते हैं अब 40 से 45 मिनट के बाद। हमारे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हल्के से हटाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा केक रेडी हुआ है या नहीं। तो देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है। मैं घुसाऊंगी इसमें एक नाइफ जो बिल्कुल क्लियर होके निकल के आ रहा है। अब करेंगे हम गैस ऑफ और इसको निकालेंगे बाहर। ये देखिए हमारा टूटी फूटी केक भी बनके तैयार हो चुका है और इसने अपनी किनारी भी छोड़ दिया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसे प्लेट में सर्व करेंगे। ये हमारा केक भी 5 से 10 मिनट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हम एक इसे प्लेट में खाली करेंगे, ऐसे लगाएंगे प्लेट, फिर इसे ऐसे उल्टा कर देंगे, हल्का सा करेंगे टैप। देखिए बिल्कुल हमारा केक इसमें चिपका नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकल चुका है। और इसकी देखिए कितना स्पंजी केक बना है, आपको मैं ऐसे करके दिखाऊं। इसकी थिकनेस देखिए आप कितनी ज़्यादा है। अब हम इसको फिर से ऐसे उल्टा करेंगे, ये देखिए। हमारा जो टूटी फ्रूटी केक है वो बनके तैयार है। तो आप भी अपने ओकेजन में, किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, केक बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और ये जिसके लिए बनाया है उसे तो हम हैप्पी बर्थडे कह दें। हैप्पी बर्थडे साक्षी। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए। ओके ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना।